जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है 5.1 और 5.2 के जो है वो हमने फिजिबल रीजंस फाइंड किए थे, किस तरह से हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को जो है वो हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने उनके जो है वो फिजिबल सॉल्यूशंस और पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट किए थे, कॉर्नर पॉइंट्स को भी हमने वहाँ पर मैंशन किया था। अब गर्ल्स, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 243 है, और इसमें हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डेफिनेशन सबसे पहले लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं। दिस इज मेंशन ऑन द पेज नंबर 243 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस भी फंक्शन को आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहे होते हैं उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और फिर लिखा हुआ है द फिजिबल सोल्यूशन, इसी पैराग्राफ में द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जो आपके इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है या मिनिमाइज कर रहा है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा इस हमारे पास इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो इसके लिए जो है वो गर्ल्स आपके पास पेज 243 पे एक हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल है, पेज नंबर 244 पे भी गिवन है। हम ऐसे करते हैं डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, और इसी में बेसिकली जो है वो हम लीनियर प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक में ही हम अपने डेली लाइफ से जो रिलेटेड आपके एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से वहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करती है उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो है वो डायरेक्ट एक्सरसाइज की एग्जाम्पल से क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट लेती हूँ। स्टार्टिंग का प्रोसीजर वही प्रीवियस वाला है जो आपने एक्सरसाइज प्रीवियसली एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में आपने जो है वो स्टडी किया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो फंक्शन गिवन है उसको लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। आपको तीन जो है वो इनइक्वालिटीज गिवन है, चार आपके पास, ठीक है। दैट इज 2y - x इज लेस देन इक्वल टू 8 x - y इज लेस देन इक्वल टू 4 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गर्ल्स, जिस तरह आपने 5.2 में सॉल्व किया था यहाँ पर भी हम उसी तरह लेके चलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उनके इस सिंबल को रिमूव करके आपने वहाँ पर इक्वालिटी का साइन लाना है। इक्वालिटी के साइन को सब्सटीट्यूट करने के बाद आपने गर्ल्स वहाँ से उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेनी है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना होता है कि इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालनी है। फिर स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई हैं, जो आपके पास इनइक्वालिटीज थी उनको हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमने उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 का नाम दे दिया। अब 1 by 1 इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को मैं पिक करूँगी और उनके जो है वो हम क्या निकालेंगे, कट पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। पहले मैं इस एसोसिएटेड इक्वेशन को ले लेती हूँ, दैट इज 2y - x इज इक्वल टू 8। इसमें पहले मैं x को 0 पुट करूँगी तो y का मेरे पास वैल्यू निकल आएगी, फिर मैं y को 0 पुट करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू -8 निकल आएगी। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो इसके x और y एक्सिस के कट पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। फिर आपने ये करना है, यही प्रोसीजर आपने इस इनइक्वालिटी नंबर 4 के लिए आपने लेके चलना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि पहले एक दफ़ा x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास -4 आ गई, फिर जब आपने y को 0 सब्सटीट्यूट किया तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक है। नाउ दीज आर द कट पॉइंट्स फॉर द एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है गर्ल्स कि आपने इनको जो है वो प्लॉट करना है, ग्राफ उनका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपका ये वाला कर्व जो है वो 2y - x इज इक्वल टू 8 के लिए है, ये वाली लाइन आपकी, और ये वाली जो लाइन है आपकी -x + y इज इक्वल टू -4 ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस इक्वेशन की जो है वो ये लाइन है आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जब आप वो फाइंड कर लेते हैं, कट पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए, अब आपने इसका जो कॉमन एरिया है, कॉमन शेडेड एरिया, उसको आपने सिर्फ शेड करना है, ठीक है। जो कॉमन नहीं है उसको आपने नहीं शेड करना, कॉमन रीजन को आपने ग्राफ में शेड करना है। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है यहाँ पर ग्राफ में कि हमने इसको जो है वो ग्रे शेड किया हुआ जिनका पोर्शन कॉमन था। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो हमें कॉर्नर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। देखो अगर आपको चेक करना है कि आपका कॉर्नर जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आपने क्या करना है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। हमने बेसिकली इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है।
तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि पहले हम फॉर इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्टिंग 3 और 4 हम क्या करेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. जैसे आप गर्ल्स जूनियर क्लासेस में या चैप्टर नंबर जो आपका मैट्रिसेस वाला था उसमें जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आती है उसको हम उसका सोल्यूशन कहते हैं. तो यहाँ पर भी जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी. वो बेसिकली ग्राफ जो आपका है उसके ऊपर जब हम उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो वो बेसिकली पॉइंट आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आएगा एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो वो इन दोनों 3 और 4 एसोसिएटेड इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा. अब यहाँ पर आप देखो कि जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू 12 निकल आई और एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 निकल आई. ठीक है, अब जब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो x की वैल्यू पहले आती है कॉमा y की वैल्यू बाद में आती है. सो इट मींस कि 16, 12 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसोसिएटेड इक्वेशंस नंबर 3 और नंबर 4. ठीक है, नाउ फ्रॉम द ग्राफ वी विल सी दैट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर. अब आप अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये जो थे ये तो कट पॉइंट्स थे. ठीक है, इनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. ये एक कॉर्नर पॉइंट है, एक आपके पास ओरिजिन पे आ रहा है और एक आपका x एक्सिस पे कॉल कर रहा है, लाई कर रहा है. तो गर्ल्स ये जो आपके पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने अपनी इक्वेशंस को भी सॉल्व करके कंफर्म कर लिया है. ठीक है, ये आपने अपनी इक्वेशंस को भी सॉल्व करके जो है वो कंफर्म कर लिया. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने जो है वो फ्रॉम द ग्राफ वी सी द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन दैट आर 4, 0, 0, 0. ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहे हैं एंड 0, 4 एंड 16, 12. ये चार आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. अब आपने क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स. अब आपने क्या करना है कि फंक्शन की मैक्सिमलिटी चेक करने के लिए कि फंक्शन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा. जब आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो आपने बेसिकली जो न्यू चीज़ इसमें ऐड हो रही है बाकी वही काम है जो आपने प्रीवियसली एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं. तो जो एक नया काम यहाँ पर 5.3 में ऐड हो रहा है वो सिर्फ इतना है कि आपने बारी बारी इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को गिवन फंक्शन जो आपके एफ ऑफ एक्स वाई आपको सवाल में गिवन है आपने वहाँ पर एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास देखिए 4, 0 के लिए 8 आंसर आया, 0, 0 के लिए 0 आंसर आया, 0, 4 के लिए 20 और 16, 12 के लिए आपके पास 92 आंसर है. तो जिस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो वो जो आपका पॉइंट है. सो इट मींस कि हेंस एफ इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12. तो वहाँ पर आपका उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम कंसिडर होगा. सवाल नंबर 2 में भी इसी तरह करना है आपने, सवाल नंबर 3 भी इसी तरह हो जाएगा. सवाल नंबर 4 में देखे लिखा हुआ है मिनिमाइज. तो इट मींस कि जब आप बाकी सारे प्रोसीजर इसी तरह फॉलो करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आपको वहाँ पर डिफरेंट गिवन है, दैट इज जेड इज इक्वल टू 2x+y है. ठीक है, वहाँ पर आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास है 2x+y. अब आप क्या करेंगे जब आपने इसको मिनिमाइज करना है तो इसी तरह अंदर सिमिलर मैनर आप जब प्रोसीजर पूरा फॉलो कर लेंगे और आप कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो निकाल लेंगे सॉरी तो फिर आपने क्या करना है कि जब आप 1 by 1 कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो जहाँ पर आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी उसको आपने कहना है कि दैट पॉइंट इज द ऑफ द कॉर्नर पॉइंट इज द पॉइंट वेयर योर फंक्शन इज मिनिमम. ठीक है, जैसे यहाँ पर 0, 0 पॉइंट पे सबसे लीस्ट आपको आंसर मिल रहा है तो इट मीन्स कि अगर मैंने फंक्शन को मिनिमाइज करना हो तो 0, 0 आपका कॉर्नर पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो सबसे मिनिमम आंसर दे रहा है. नेक्स्ट हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है. ठीक है, मैं आपको इनके जो है वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना बताती हूँ कि किस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं. 7, 8 और 9 किस तरह से हम जो है वो उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आ रहा है हमारे पास जी. तो अब जो है वो कुछ हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स जो थी कि जहाँ पर हमारे पास लीनियर मैपिंग जो है प्रोग्रामिंग जो है लीनियर ये हमें कहाँ पर डेली लाइफ में हेल्प आउट करती है, किस तरह से जो है फैक्टर्स वगैरह में इसको जो है वो यूटिलाइज किया जाता है. तो वो कुछ जो है वो हम प्रॉब्लम्स अपनी
रोजमर्रा जिंदगी से जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, आपके बुक का पेज नंबर 248 है। मैं स्टेटमेंट रीड करती हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है कि ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कॉस्ट रुपीज 25 एंड कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, ठीक है। अब हमारे पास फूड के जो यूनिट हैं वो दो टाइप्स के हैं, एक हमारे पास कैपिटल एक्स टाइप का है, एक हमारे पास कैपिटल वाई टाइप का है। और एक्स की जो कॉस्ट है वो 25 है, जबकि वाई की जो कॉस्ट है वो 30 है, ठीक है। तो उसके अंदर जो एक्स फूड है उसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट प्रोटीन के हैं और 4 यूनिट्स जो हैं वो आयरन के हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन को एक्स से रिप्रेजेंट करें और जो हमारे पास है आयरन उसको हम अगर वाई से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास सॉरी एक्स वाली जो इनइक्वालिटी है पहले उसमें हम पुट करेंगे 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन को हम 2x से डिनोट करेंगे और फिर हमारे पास जो आ रहा है 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो वहाँ पर भी आयरन को जो है बेसिकली हम x से डिनोट कर रहे हैं। देन वी हैव अगेन इन द फूड y हमारे पास प्रोटीन जो है वो 3 यूनिट्स आ रही है जिसको हम 3 ऑफ y कह रहे हैं और फिर हमारे पास 2 यूनिट्स ऑफ आयरन आ रहे हैं, दैट इज 2y। ईच एनिमल मस्ट रिसीव एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 यूनिट्स ऑफ आयरन। तो अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास हाँ जी प्रोटीन के जो मैक्सिमम मिनिमम वो कह रहा है, प्रोटीन को हम डिनोट कर रहे हैं, प्रोटीन वाले को हमने लिख दिया है एक्स और वाई एक इनइक्वालिटी में, ठीक है। एक्स फूड में 2x है, वाई फूड में 3y, और वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट यानी कम से कम जो है वो इससे ज़्यादा भी 12 यूनिट्स होने चाहिए। फिर इसी तरह हमने एक्स फूड में जो हमारे पास आयरन है दैट इज़ 4 ऑफ एक्स, ठीक है, और जो हमारे पास वाई फूड में है उसको हमने आयरन को कह दिया है 2 यूनिट्स ऑफ आयरन, दैट इज़ 2y। तो वो कह रहा है कि एटलीस्ट एनिमल के अंदर जो आयरन है ईच डे वो कितना जाना चाहिए, 16 जाना चाहिए। तो दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास कहाँ से बन जाएगी, वो हमारे पास बनेगी 4x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पे बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी, दैट इज 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये हमारे पास मैक्सिमम यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है कंजम्पशन इन अ डे फॉर एनिमल है, और ये हमारे पास जो सेकेंड इनइक्वालिटी इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ रही है फॉर आयरन, दैट इज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब हमारे पास ये हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है, और हमारे पास जो ये हैं दो इनइक्वालिटीज हमारे पास आ चुकी हुई हैं। फर्दर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड शुड बी फेड टू ईच एनिमल एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि खर्चा सबसे जितना पॉसिबल हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं करें। स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने अपने फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। लेकिन जानवरों के अंदर जो खुराक है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए, उसको फुलफिल करना है, लेकिन कंजम्पशन जो है कॉस्ट की जो खर्चा है वो मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास फंक्शन है आपने उसको मिनिमाइज करना है। तो स्टेप्स वही हैं पुराने जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। हमने क्या करना है गर्ल्स के, आपके पास जब आपके पास ये दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के एसोसिएटेड इक्वेशंस निकाल ली हैं, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने के बाद हमने उनको 3 और 4 का नाम दे देना है, फिर हमने 1 by 1 जो है इनके कट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं लाइक दिस, ठीक है, फॉर इक्वेशन नंबर 3 एंड 08 एंड 40 फॉर इक्वेशन नंबर 4। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, साथ साथ आपने यहाँ तक काम करने के बाद आपने इनको ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर देना है। ये देखिए इस लाइन का जो है वो ये आ रहा है, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन के लिए जो है वो हमारे पास ये लाइन आ रही है 3x plus 4y is equal to 12 के लिए हमारे पास ये बनती है, जबकि 7x plus 5y के लिए हमारे पास कट पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें x is equal to 0 पे y हमारे पास 8 था, ठीक है, x is equal to 0 पे y हमारे पास 8 है ये आ गया, ठीक है, और फिर हमारे पास x is equal to 4 पे y 0 है, तो x is equal to 4 पे y 0 यानी कि इस लाइन ने जो है इस इक्वेशन ने y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है और x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। आपने स्ट्रेट जो है वो लाइन लगानी है यहाँ पर भी, और इसी तरह इन द सिमिलर मैनर आपने इस इक्वेशन की लाइन को प्लॉट करना है ग्राफ पे कट पॉइंट्स को। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे गर्ल्स, इन दोनों को सॉल्व करते हुए हम इनका जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, दैट इज के 3, 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो
पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, रेस्ट ऑफ द अदर पॉइंट्स आर दीज, ठीक है। ये अब हमारे पास जो है वो इनके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे, वी सी दैट कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, 08, ठीक है, 08, 32 एंड 60। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक और बात मेंशन करती चलूँ, देखिए हमारे पास 32 एंड 08, ये जो टेस्ट पॉइंट वाली बात है ना, जो 00 हम ओरिजिन पे पुट करके चेक करते थे कि क्या हमारी जो 00 ओरिजिन वाला पॉइंट है क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर इन्होंने इन दोनों लाइंस की जो शेडिंग है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में की है, यानी दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर को जा रही है। अगर आप ऑब्जर्व करो, टेस्ट पॉइंट भी आपने यहाँ पर लगाना है, टेस्ट पॉइंट में देखें आप 00 सब्स्टिट्यूट जब आपने किया तो यहाँ पर आंसर 0 आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये तो फॉल्स है, 0 तो 12 से बड़ा नहीं है ना। तो इस लाइन के लिए भी और इन द सिमिलर मैनर जब आप यहाँ पर एक्स और वाई को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगेन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में इनकी जो शेडिंग है वो यहाँ से इस डायरेक्शन से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये देखें दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी बाहर को जाएगी, इधर से शेडिंग स्टार्ट होगी बाहर को जाएगी, इस लाइन की शेडिंग इस तरह से आएगी। लेकिन उन्होंने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन शेड नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम जब अपना फिजिबल सोल्यूशन देख रहे होते हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स हम वहां पर देखते हैं जो हमारा कॉमन रीजन होता है दोनों लाइंस का, तो जो कॉमन रीजन दोनों लाइंस का शेडेड आ रहा था वो हमारा ये वाला रीजन बनता है। सो इस केस में हमारे पास सिर्फ 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, एक ये, एक आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक आपका पॉइंट ये वाला है जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो वी हैव 3 कॉर्नर पॉइंट्स इन दिस केस। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी अपने फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इन पॉइंट्स को इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हमने x को 6 और y को 0 रखा तो 150 आ गया, x को 3 y को 2 रखा तो 135 आ गया, और जब हमने x को 0 और y को 8 रखा तो हमारे पास 240 आ गया। तो इन ऑल ऑफ दीज 3 केसेस हमारे पास जो मिनिमम फंक्शन का आंसर आ रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दैट इज 3,2 पे आ रहा है। सो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम एट 3,2, देयरफोर 3 यूनिट ऑफ फूड x एंड 2 यूनिट ऑफ फूड y आर यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर हम 3 यूनिट ऑफ फूड x में डालें और 2 यूनिट्स ऑफ फूड y के डालें तो फिर एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट है ईच डे की वो फुलफिल भी हो जाएगी और जो कंजम्पशन है, जो कॉस्ट हमें पड़ेगी उस पर वो भी मिनिमम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं लास्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उसको मेंशन करती हूँ, आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना सिखाती हूँ उसमें, ठीक है। देखिए हमारे पास बल्कि 9 जो है वो थोड़ा आसान है, वो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं अगेन आपको जो है वो जो मुझे लग रहा है कि मुझे करवाना चाहिए सवाल नंबर 8 करवाती हूँ, सवाल नंबर 9 जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सवाल नंबर 8 में देखें, अ डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड सेविंग मशीन्स, ठीक है, सेविंग मशीन्स है, उसके पास पंखे हैं और जो सिलाई की मशीन होती है। ही हैज ओनली रुपीज 5760 टू इन्वेस्ट एंड हैज स्पेस एट मोस्ट फॉर 20 आइटम्स। अब वो कह रहे हैं कि उसके पास जो स्पेस है वो 20 आइटम्स के लिए, मैक्सिमम 20 आइटम्स जो हैं वो रख सकता है, ठीक है, और जो मैक्सिमम अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकता है दैट इज रुपीज 5760। अ फैन कॉस्ट हिम रुपीज 360 एंड सेविंग मशीन कॉस्ट रुपीज 240। अब जो पंखे की जो एक पंखे की कीमत है वो 360 है और एक मशीन की जो कीमत है सिलाई मशीन की वो 240 है, ठीक है, तो 240 रुपये है। तो वो कहना है हिज एक्सपेक्टेशन इज दैट he can sell a fan at a profit of rupees 22 and a sewing machine at a profit of rupees 18. अब वो चाह रहे हैं कि मैं जो चीज़ें हैं उनको मैं बेच सकूं, पंखे को जो है वो 22 रुपए के हिसाब से बेचूं, 22 रुपए मुनाफे के हिसाब से बेचूं, और जो सिलाई मशीन पे वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है दैट इज़ ऑफ 18 रुपीज़। अब हम क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम को साथ साथ फॉर्मुलेट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ फैंस को और वाई जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सेविंग मशीन्स को। अगर आप ऑब्जर्व करो प्रॉफिट फंक्शन पर हमारे पास क्या बनेगा, 22x वो 22 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना चाह रहा है फैन के ऊपर और 18 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना चाह रहा है वो सेविंग मशीन्स के ऊपर। तो दैट इज मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, 22x प्लस 18y,
ठीक है, assuming that he can sell all the items that he can buy, how should he invest his money in order to maximize his profit? So it means in this case आपने अपने जो function है f of x y 22x plus 18y आपने इसको maximize करना है, ठीक है? अब हमारे पास constraints क्या बन रहे हैं, number of जो हमारे पास आइटम्स वो रख सकता है वो मैक्सिमम 20 हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा वो अपने पास 20 से ज़्यादा आइटम्स वो नहीं रख सकता. सो इट मीन्स कि x प्लस y दोनों को प्लस करके जो मैक्सिमम आइटम्स वो ले सकता है या वो 20 हो या 20 से लेस हो, 20 से ज़्यादा वो जो है आइटम्स वो परचेज नहीं कर सकता ना वो अपने पास रख सकता है, ठीक है? सो इट मीन्स कि x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 20. दिस इज़ योर इनइक्वालिटी नंबर वन. और जो सेकंड है उसमें वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो पंखे की कीमत वो परचेज कर सकता है, जिस कीमत का वो पंखा परचेज कर सकता है दैट इज 360, और जिस कीमत का वो सीविंग मशीन अफोर्ड कर सकता है दैट इज 240. तो ये हमने ले ली प्राइस फैन की, और ये हमारे पास प्राइस जो है वो सीविंग मशीन की आ गई है, ठीक है? तो इन दोनों का सम करके वो कितनी मैक्सिमम अमाउंट के खरीद सकता है चीज़ें, 5760 रुपीज़. तो यानी कि इतनी कीमत तक की या इससे लेस प्राइसेस की जो है वो शॉपिंग कर सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं है, सो ही कैन नॉट परचेज एनीथिंग बियॉन्ड दिस लिमिट, ठीक है? तो अगर हम इसको इनइक्वालिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इट टेक्स द फॉर्म 9x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 144. नाउ यू हैव द टू इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी नंबर वन एंड इनइक्वालिटी नंबर टू. अब आपने क्या करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट स्टेप एज वी डिस्कस अर्लियर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है? थ्री की और फोर की हमारे पास ये, वन और टू की हमारे पास ये, इन टर्म्स ऑफ थ्री एंड फोर हमारे पास ये एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई हैं. एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालने के बाद आपने इनके कट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. पहले हमने थ्री के कट पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, फिर हम फोर के फाइंड करेंगे, ठीक है? इन द सिमिलर मैनर जब हम कट पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट लगाने. यहाँ पर टेस्ट पॉइंट मेंशन नहीं है गर्ल्स, लेकिन अगर आप टेस्ट पॉइंट नहीं लगाएंगे तो देखो आपको शेडिंग का आइडिया नहीं होगा कि शेडिंग आपने टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है. अब देखिए हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ रही हैं, जिसमें इनइक्वालिटी नंबर वन जो थी वो हमारे पास है x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 20, एंड सेकेंड इनइक्वालिटी है 9x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 144. जब आप कट पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे तो शेडिंग के लिए आपने टेस्ट पॉइंट लगाना है. टेस्ट पॉइंट हम ओरिजिन को लेते हैं, एक्स को 0 0 पुट करें तो ये इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है? कि यहाँ पर जो शेडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, ठीक है? और जबकि इस सेकंड वाले को अगर आप ऑब्जर्व करें तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 144, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब है कि इस केस में, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी. लेकिन अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर उसने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन उसने स्किप कर दिया है. ये पोर्शन स्किप करने की वजह है, और वो क्या है कि हम शेड सिर्फ उन्हीं को करते हैं जो हमारे पास कॉमन रीजन आ रहा होता है, ठीक हो गया? सो वी हैव द कॉमन रीजन, दिस इज द शेडेड पोर्शन जो कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस की लाइंस का कॉमन रीजन आ रहा है. जब आपने कॉमन रीजन को शेड कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. एक तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये हमें नजर आ रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट ये ओरिजिन है, एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है. अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सही कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करना है. वहां से आपके पास x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 12 निकल रही है. सो इट मींस 8, 12 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड 4. तो ये दो इक्वेशंस आपके पास, आपने ग्राफ प्लॉट करते हुए लाइन के ऊपर इक्वेशन मेंशन करनी है कि ये किस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है? तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इट इज 8, 12. अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपने अपने फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, हमने चूंकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो हम वन बाय वन इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. जहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट आंसर आएगा वो हमारा पॉइंट होगा एट वेयर आवर फंक्शन इज मैक्सिमम. सो 0 0 पुट किया, 0 आंसर आ गया. 16 0 पुट किया, ये आंसर आया. 8 12 पुट किया, 392 आ गया. और 0 20 सब्स्टिट्यूट किया तो 360 आ गया. इट मीन्स कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था आपके पास उस पर आपको सबसे फंक्शन का जो है वो ग्रेटेस्ट आंसर मिल रहा है. सो वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट 8, 12. Thus, 8 fans and 12 sewing machines to maximize the profit. तो अगर वो अगर 8 पंखे ले और 12 sewing machines purchase करे तो उसका जो profit है वो उसको maximum मिल सकता है, ठीक है? Hopefully ये lecture आपको clear हो गया. कोई chapter बहुत आसान था, इसमें कोई difficult बात नहीं थी.
अब तक का जो अगर मैं सम अप करना चाहूँ इस लेक्चर को, तो हम किस तरह से करेंगे कि जब भी आपके पास इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं तो आपने सबसे पहले उनका जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालनी होती हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालने के बाद वन बाय वन आपने उनके कट पॉइंट्स निकालने हैं। कट पॉइंट्स निकाल के आप उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है उन लाइंस को। उसके बाद आपने उनके ऊपर टेस्ट पॉइंट लगाना है। टेस्ट पॉइंट से आपको पता चलेगा कि आपकी अगर तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, और अगर आपके टेस्ट पॉइंट जो है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शेडिंग करनी है। और उस केस में आपके पास फिर अगर दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस या तीन इक्वेशंस हैं, तो आपने सिर्फ उनका कॉमन एरिया शेड करना है। फिर जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग को, और उसमें हम जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हम किसी चीज़ को मैक्सिमम, किसी टारगेट को मैक्सिमम या मिनिमाइज करना चाह रहे हो तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स अगर आपको आराम से फिगर से मिल जाते हैं तो ठीक है डायग्राम से, और अगर नहीं मिल रहे ग्राफ से तो फिर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए फाइंड आउट करना है। एंड आफ्टरवर्ड्स आपने क्या करना है, वन बाय वन आपने उन कॉर्नर पॉइंट्स को जो है अपने फंक्शन जो कि गिवन फंक्शन आपको होगा जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो आपको सबसे ग्रेटेस्ट आंसर जिस पॉइंट पे मिल रहा है तो वो आपके फंक्शन की मैक्सिमलिटी होगी, और जो जिस पॉइंट पे आपको सबसे लीस्ट आंसर मिल रहा है तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो रहा है। तो आई होप कि 5.3 आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और एग्जांपल्स को भी साथ साथ देखा करें, वो भी दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।